कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। पिछले 20 दिनों से किसान सड़क पर हैं। सरकार के साथ में कई दौर में बात भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता करने की पहल की है, जिसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर इस पर सुनवाई होगी, लेकिन आज हुई सुनवाई में अदालत ने ऐसी कमेटी बनाई, सहमति करने के संकेत दिए। साथ ही किसान बनाम सरकार की ये जंग किस और रुख करेगी ये भी देखा। सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है, ऐसे में इसमें आपसी सहमति जरूरी होगी। अदालत की ओर से दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट मांगी गई है, जिससे पता चल सके कि बात किससे और कब होगी। अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि सरकार किसान के बीच में सीधे तौर पर इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन करेगा। कमेटी में आंदोलन कर रहे किसान संगठन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, अधिकारी और अन्य संबंधित लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट को संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों की लिस्ट सौंपी जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार, हरियाणा और पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है और कल तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी किसान संगठनों को नोटिस भेजा है, हर संगठन की लिस्ट मांगी और केस में पार्टी बनाने को कहा। साफ है कि सरकार किसानों के बीच में हुई बातचीत से कोई ना कोई हल नहीं निकलते देख सुप्रीम कोर्ट ने कमान अपने हाथ में ले ली है। अब गुरुवार को होने वाली सुनवाई में साफ होगा कि अदालत जो कमेटी बना रही है उसकी रूपरेखा क्या होगी और वो किस तरीके से इस मसले को सुलझाने की ओर कदम बढ़ाएगी। आपको ये भी बता दें कि बुधवार को जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई उसमें अधिकतर जनहित याचिकाएं थी, जिसमें किसान संगठन पार्टी नहीं थी। याचिकाओं में प्रदर्शन के कारण सड़कें बंद होना, कोरोना का संकट होना और प्रदर्शन के अधिकार को लेकर सवाल किए गए थे।